नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन लेकर आए हैं हम। और हाल फिलहाल तो रियल मैच की बात पहले कर लें तो इंडिया को एक लीड मिल चुकी है, छोटी सी सही लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि विकेट बहुत बचे हैं हाथ में और दो ऑलरेडी सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली दिन अच्छा हो जाएगा अगर पहला सेशन वो सही सलामत निकाल लेती इंडियन टीम तो। और अब चलते हैं हमारे मैच में, तो बैटिंग कार्ड में नज़र करते हैं मैच एनालिसिस के थ्रू स्कोर कार्ड। पहली बैटिंग आई थी यहाँ पर इंडिया की और जैसा कि आप देख रहे हैं तीन बैट्समैनों ने, तीनों ने शतक लगाया, एक ने 13 शतक लगाया है और दो बैट्समैनों ने शतक लगाए हैं। एक विकेट गिरा था, वो गिरा था रन आउट से, तो 602 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया इंडिया ने। और अब वेस्ट इंडीज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है, हाल फिलहाल 6 रनों पर 3 विकेट गिर गया है और अब हम किसको श्रेय दें इसका पता नहीं, पर देखते हैं क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है तीसरे दिन में ही हमारा गेम ओवर हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं, दिन उम्मीद बहुत ही कम लग रही है क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास करने को यहाँ पर। और शुरू करते हैं यहाँ पर सो रहे हैं यहाँ पर, देखें शमी ने दो बार बीट कराया। हाल फिलहाल तो WCC 2 और रियल क्रिकेट टीम के पहली बाउंड्री है इनकी, एक बढ़िया सा कैच लिया और चेज का विकेट यहाँ पर गया है। हम स्ट्राइक पे रख रहे हैं डेविन स्मिथ को, अब देखते हैं क्या होता है। हाल फिलहाल विकेट जा चुका है, तीन स्लिप रखी है और लेग साइड प्लेयर रखे हैं ज्यादातर। ऊपर 6 विकेट गंवा दिए हैं, अनफॉर्चुनेटली हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा है मेरे को एक गेम प्ले रिकॉर्ड करते समय अजीब लग रहा है एकदम। Brilliantly held. The batsman looks dumbfounded. Definitely ये मेरा आखिरी गेम प्ले कॉन्टेस्ट में। Excellent catch. The fielder looked like he had no chance. लग रहा है मुझे ये लोवेस्ट टोटल किया है 18 रनों का। आप एक्सलेंट कैच, द फील्डर लुक लाइक ही हैड नो चांस। बढ़िया कैच है, एक्सलेंट कैच, द फील्डर लुक लाइक ही हैड नो चांस। दूसरी इनिंग में आएगी बैटिंग करने और फॉलो ऑन दिया है जैसा एक्सपेक्ट किया था और मुझे भी उम्मीद नहीं लग रही है कि ये लोग टिक पाएंगे ज़्यादा देर। अब देखना है कितनी देर ब्रेथवेट ने बॉल टप्पी खा गई थी पहले, इसलिए अग्रेसिव शॉट खेल रहे हैं, अननेसेसरी रिस्क ले रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा है मेरे को।
कोई जरूरत नहीं है आपको लकी बट इट्स फोर ब्यूटीफुल बॉल हां भुवनेश्वर कुमार सिंह खिलाड़ी को आसान नहीं रन ऑफ द मिल कैच बट दे ऑल कैच ब्रेथ वेट भी हो गए आउट 19 गेंदों में 9 रन He's just got his fingers to that. What a difficult chance. Timing is the key there. That's very, very close indeed. The finger gap. Perfect length ball. Poor shot. He's got to. दो विकेट लिया इस ओवर में ये बकवास गेम बनाई है यार इन लोगों ने मेरे को बहुत अजीब लग रहा है पता नहीं क्या right off the middle of the bat put away for four 19 रनों पे पहुंचा है पांग वेस्टइंडीज का स्कोर इस बार इस बार भी अलग गया है शॉट खेला स्मैशिंग शॉट मिड ऑन के ऊपर से लेकिन गई मिड ऑन पे गई आठ रन आए हैं ओवर में लेकिन पाएगी वेस्ट इंडीज लेकिन देखते हैं क्या होता है और देखेंगे हम ऑप्शन देखेंगे बैट्समैन खुद ही बाहर खड़े थे इसलिए कोई डाउट ही नहीं है के कोई चांस ही नहीं है आप एलबीएल भी करते हैं क्लीन बॉल डिक्टेड अ न्यू स्टंप कैप बहुत ही बढ़िया है आपका कैमरा एंगल भी बदल गया काफी अच्छी ब्यूटीफुल शॉट फोर मोर कैमरे का बाउंड्री लग रही है वो भी आश्चर्य हो रहा है मेरे को वेल द बॉल वाज अपीलिंग फील्ड के लिए गए हैं और एम्पायर ने आउट दे दिया है यहाँ पर और सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो रह गई है ये दिन और ये मैच पूरा होने में अब हम डब्ल्यू सी सी टू मैच देखेंगे अगर हमारे पास कॉइंस है नहीं पड़े तो नहीं तो हम डब्ल्यू सी सी टू ही खेलें ऐड का ऑप्शन रह रहा है ऐड देखने का तो वो देखेंगे हम ऐड के थ्रू स्किप करेंगे ओवर्स 90 ओवर्स है 10 ओवर का हम गेम प्ले करेंगे यानी 80 ओवर हमें स्किप करनी पड़ेगी यानी 16 बार 80 सेकेंड यानी आप कैलकुलेट कर लें कितना टाइम होगा drive off the back foot well played बहुत ही बढ़िया यहां पर पॉल यहां पर कुछ रन बनाते हैं और ये फील्डिंग देखिए प्ले ऑल अराउंड दैट नॉट आउट आई थिंक डेस्परेट अपील फील्डिंग देखिए जी हां 4 तो 10 प्लेयर तो बहुत ही है जस्ट हेल्प्ड इट टू द बाउंड्री फॉर फोर फायदा ले रहे हैं यहां पर कोई फायदा ले रहे हैं 10 प्लेयर बनाने की कोशिश है लेकिन बहुत बड़ी प्लेयर है इतना आसान है पर इतना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं देखना है वेस्ट इंडीज सिंपल किस तरह से बढ़िया बॉल एक समय की बाउंड्री मिल चुकी थी ओवर में और इंडिया में कोई बदलाव नहीं है गुड मिला भुवनेश्वर कुमार को 12 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए हैं इसको उस बार हम स्कोर भी नहीं देख रहे हैं पता ही है और इसी के साथ ऑल आउट हो गई है वेस्ट इंडीज अनफॉर्चुनेटली इस डे का ये वीडियो हम कह ही नहीं सकते डे थ्री हमारी गेम में है लेकिन ऐसा होने वाला कभी नहीं है रियल लाइफ में मेरे ख्याल से बेकार टीम भी खेलेगी अगर क्लब लेवल की भी तो भी इतना खराब परफॉर्म तो नहीं करेगी 18 रन चीव है यार गेम कैसे कैसा लॉजिक डाला है गेम में समझ नहीं आ रहा बॉलिंग कार्ड देखने लायक होगा भुवनेश्वर ने 5 लिए एक लिया मोहम्मद शमी ने और एक विकेट लिया है अजिंक्य रहाणे ने एक विकेट लिया है ये कैसे अजीब बात है
बैटिंग का देखते हैं रन आउट कौन हुआ है, रिटायर्ड हर्ट हो गए थे कैमर रॉच इसीलिए बैटिंग में नहीं आए और 9 विकेट ही गिराने थे। तो ये था स्कोर कार्ड, इंडिया जीता है एक इनिंग और 540 रनों से। और डेफिनेटली रियल मैच तीसरे दिन तो पूरा नहीं होगा, ये बात है कि अगर दो सेशन में इंडिया 250 रन या 300 रन करती है, लीड लेती है, इनिंग डिक्लेयर करती है और उसके बाद वेस्ट इंडीज को एक सेशन में ऑल आउट कर सकती है, चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज अब इस इंडियन जो सिचुएशन है इंडियन एनवायरनमेंट उसमें सेट हो चुकी है पहले टेस्ट मैच के बाद, काफ़ी टाइम मिला उनको तो उसके चांसेस तो कम लग रहे हैं। लेकिन ये है हमारा डे 3, हमारा दूसरा टेस्ट मैच का स्कोर कार्ड, काफ़ी अजीब लग रहा है लेकिन शिखर धवन बने हैं मैन ऑफ द मैच। और वीडियो को करते हैं एंड, हम डे 4 में हम अगर देखेंगे कोई वीडियो डालनी होगी वेस्ट इंडीज और इंडिया की वो डाल के देखेंगे या सुपर ओवर की कुछ भी, डे 4 के लिए कुछ ट्राई करेंगे, कुछ अलग देखते हैं क्या होता है। पर मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में, इन्जॉय करिए संडे, बाय बाय।